आप देख रहे हैं बिग एंड बोल्ड, जोगी ऑन द वे, माफिया गैंग अंडरग्राउंड। अब बात योगी आदित्यनाथ के उस प्लान ऑफ एक्शन की जिसकी वजह से माफिया थरथरा रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। योगी वहां कितनी देर तक रहेंगे, क्या बोलेंगे, कौन कौन उनके साथ होगा, ये सब दिलचस्पी का सबब। पिछले चार दिनों से योगी जिस तरह बैक टू बैक माफियाओं के खिलाफ खोल रहे हैं मोर्चा, माना जा रहा है प्रयागराज में भी वैसे ही तेवर योगी के नजर आएंगे और इसीलिए अतीक एंड गैंग डरे हुए हैं। कई गुर्गे फरार हैं, अंडरग्राउंड है और सबके बीच अतीक की डायरी मिली है जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। योगी ऑन द वे, माफिया खौफ में, ये रिपोर्ट देखिए। अब कोई माफिया और कोई अपराधी सीना तान करके नहीं चल सकता। छह वर्ष में आपने कोई दंगा नाम की कोई बात सुनी क्या? अब दंगा नहीं होता है, उपद्रव नहीं होता है, उत्सव होते हैं, उत्सव। 15 अप्रैल को माफिया अतीक मिट्टी में मिला और 2 मई को आदित्यनाथ योगी आखिरी हथौड़ा चलाने प्रयागराज पहुंच रहे हैं। अतीक अहमद और अशरफ की मौत के बाद ये योगी का प्रयागराज में पहला दौरा, इसलिए माफियाओं में डर है, प्रशासन चौकन्ना है। सीएम योगी 2 मई को लूकरगंज इलाके में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। योगी के इस दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, पूरे प्रयागराज को किले में तब्दील कर दिया गया। प्रयागराज में इसी जगह पे देखिए उनका मंच बन रहा है जहां पे वो पहुंचेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। इस मौके पर जो बीजेपी के तमाम उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं उनका आना बताया जा रहा है। इसके साथ साथ जो कार्यकर्ता है वो भारी संख्या में पहुंचेंगे, जो पार्षद के चुनाव लड़ रहे हैं वो सारे प्रत्याशी पहुंचेंगे और यहाँ पे आम जनता भी पहुंचेगी। जो रूट बताया जा रहा है इनका वो काफी ज्यादा अहम रहने वाला है क्योंकि अतीक के गढ़ चकिया होते हुए ये जो योगी हैं वो पहुंचेंगे। और देखिए जब से अतीक का खात्मा हुआ है, अतीक की हत्या हुई है, उसके बाद ये पहला मौका है जब प्रयागराज योगी का आगमन हो रहा है। प्रयागराज पुलिस की टीम भी देखिए वो नीचे बैठी हुई है, जो वी बनाया जा रहा है, जो वीआईपी घेरा होता है वहां भी आपको दिखाई देगी। इसके साथ साथ देखिए चारों तरफ जो है वो बारिश से बचने के लिए जो वाटरप्रूफ पंडाल है वो लगाया जा रहा है। माफिया एंड गैंग के लिए योगी काल बनकर मंडरा रहे हैं, इसलिए कहने के लिए वो प्रयागराज में नगर निकाय के चुनाव के लिए प्रचार करेंगे, मगर असल में मकसद कुछ और। जिस धूमनगंज इलाके में 15 अप्रैल को अतीक अहमद और अशरफ को गोली मारी गई वहां से 6 किलोमीटर दूर है लूकरगंज, और लूकरगंज में जिस जगह सीएम योगी के लिए मंच तैयार किया गया उसके बिल्कुल पास में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर मकान खड़े कर दिए गए। योगी का संदेश है यूपी किसी की बपौती नहीं, माफियाओं से चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। हमने तय किया है नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब और यूपी को चंगा बनाए रखने के लिए तीसरी नगरीय निकायों की सरकार भी डबल इंजन की सरकार के साथ तारतम्य बनाकर के कार्य कर सके। योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज पहुंचने का टाइमिंग इसलिए भी अहम है क्योंकि अतीक अहमद के गुर्गे आपस में वर्चस्व के लिए लड़ने को तैयार है, पुलिस सूत्र बता रहे हैं। अतीक की मौत के बाद उसकी हजारों करोड़ की संपत्ति पर गुर्गों की नजर है और प्रयागराज इलाके के उस अवैध साम्राज्य पर नियंत्रण पाना चाहते हैं जो प्रशासन की जानकारी में नहीं है। पुलिस का दावा यह भी कि अतीक के 4 बेटे फिलहाल उसके गैंग को चलाने की हालत में नहीं और इसलिए प्रयागराज में गैंग वॉर की आशंका बढ़ गई। अतीक अहमद का बड़ा बेटा उमर जेल में है, अली अहमद जेल में है, असद मारा गया, जबकि 2 नाबालिग बेटे एजम और अबान बाल सुधार गृह में बंद है। 5 बच्चे शाइस्ता और अतीक के इसी स्कूल में, देखिए ये सेंट जोसेफ्स कॉलेज स्कूल है जो कि दिव्य ज्योति स्कूल है, ये साधना सदन प्रयागराज में, यहीं पे उसके 5 बच्चे पढ़ते थे जिसमें अतीक जो है यहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजता था। इनके बच्चे 5 इतने ज्यादा शातिर थे, इतने ज्यादा अपराधी किस्म के थे, इस बात का जिक्र खुद अतीक करता था। खुद अतीक ने बोला था कि मैं अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाऊंगा। अतीक की हर प्रॉपर्टी और हर काले कारनामे की खबर शाइस्ता परवीन को है, वो अतीक के गुर्गों की चालबाजियों से वाकिफ है, मगर शाइस्ता को कानून के हंटर का डर है और इसीलिए वो सरेंडर नहीं कर रही। आखिरी बार उसकी लोकेशन हटवा इलाके में पाई गई,
पुलिस यहां पहुंची तो उसकी बुर्का गैंग ने पुलिस को घेर लिया। इस दौरान मस्जिद से पुलिस रेड की अनाउंसमेंट की गई। शाइस्ता तो पकड़ी नहीं गई मगर उसकी मददगार मुंडी पासी सामने आई। कैमरे पर मुंडी पासी ने कहा कि शाइस्ता से उसका कोई संबंध नहीं। पुलिस की इस गांव में दो लोगों को तलाश है, एक है शिबली प्रधान और दूसरी शाइस्ता परवीन की यहां पर हो सकती है और इसके लिए पुलिस लगातार यहां पर पहुंच रही है, दबिश डाल रही है और अब शाइस्ता की तलाश के लिए पुलिस ड्रोन कैमरा और डॉग स्क्वाड की भी मदद ले रही है। चार भाई मेरे मारे गए, मेरे माँ बाप मर गए, भाई भी मर गए, मेरी भौजाई भी मर गई। चुनाव के पीरियड मरिया डील धोखे से बुलाई शाइस्ता परवीन, ये महिलाओं भी थी और कहीं मुंडे चलना है। हम जब वहाँ देखे कि चुनाव के पीरियड है, भाग आए। शाइस्ता कैसी औरत थी? गोरी से है, तगड़ी से। कैसा नेचर था उसका? हम आधे घंटे में क्या बता पाएंगे। शाइस्ता परवीन या अतीक अहमद ने मरवाई? नहीं, मेरे भाई मारे गए हैं। फूलचंद पासी के पता कर लीजिएगा, अतीक अहमद मरवाए हैं। कौन मरवाए हैं? अतीक अहमद। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अतीक के IS-227 नाम के गिरोह में 135 से ज्यादा सदस्य हैं, जो योगी कार्रवाई से खौफ में हैं। हालांकि इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्हें अतीक एंड गैंग की खरीदी गई जमीन को हड़पने के लिए शिकायत दर्ज कराई। अतीक अहमद की घोषित संपत्ति 25 करोड़ जबकि अवैध संपत्ति करीब 10,000 करोड़ की। इसके अलावा 1500 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चल चुका है या योगी सरकार सीज कर चुकी है। अब योगी के प्रयागराज पहुंचने से पहले केंद्रीय एजेंसियां भी एक्टिव हैं। प्रयागराज का पौष इलाका सिविल लाइन, यहाँ पर आप देखेंगे तो अतीक अहमद ने कई इमारतों में इन्वेस्ट किया, काली कमाई यहीं खपाई गई। उसके जो सहयोगी बिल्डर हैं जिनमें संजीव अग्रवाल, जिनके घर पर ईडी ने छापेमारी की, उनकी कई इमारतें इस सिविल लाइन इलाके में या तो पहले से बनी है या फिर उनमें निर्माण कार्य चल रहा है। अब STF भी इस जांच में शामिल हो गई है क्योंकि ईडी की छापेमारी में ये बात साफ हुई है कि अतीक और संजीव अग्रवाल का व्यापारिक लेना देना था। और केवल संजीव अग्रवाल नहीं, ऐसे 15 लोग और शामिल थे जिसमें वकील सौलत हनीफ था, सीताराम सीए था, उनके कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं प्रयागराज के आउटर इलाके में जिसमें अहमद सिटी, लखनपुर योजना सहित कई सारे प्रोजेक्ट थे। अतीक अहमद के घर से पुलिस को एक डायरी मिली जिसमें खुलासा हुआ कि जेल में बंद रहते अतीक ने प्रयागराज शूटआउट की बड़ी साजिश की। अतीक अहमद का कोड नेम बड़े रखा गया, अशरफ अहमद का कोड नेम छोटे रखा गया, अंश यादव 00 कोड अतीक के बेटे असद के लिए, बिहार टावर सलमान का, पतले 009 ये कोड नेम अतीक के जेल में बंद बेटे अली का, एडवो 010 कोड नेम अतीक के तथाकथित वकील खान सौलत हनीफ का, जबकि XYZZ1122 कोड नेम उमेश पाल की रेगी करने वाले आरोपी नियाजी का। ये सभी फेस टाइम पर कोड नेम से ID बनाकर बात कर रहे थे और इसके लिए अतीक ने 3 iPhone साबरमती जेल में अपने पास रखे थे। एक फोन बम्बाज गुड्डू मुस्लिम को भी दिया गया जिसके पैतृक घर पर अब नोटिस चिपका दिया गया जो कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आर्म्स एक्ट के तहत भेजा था। हालांकि गुड्डू मुस्लिम सामने आने के बजाय दुबई भागने की फिराक में है। गुड्डू मुस्लिम पहले इसी घर में रहता था। देखिए, गुड्डू मुस्लिम का घर था जहां वो अपने परिवार वालों के साथ रहता था। बताया जा रहा है कि अपने माँ बाप, इसके साथ साथ उसके जो 3 भाई और 2 बहनें हैं वो इसी घर में अपने साथ रहते थे। लेकिन 13 साल की उम्र में गुड्डू यहाँ से जाता है और उसके बाद वो अतीक के गैंग में शामिल हो जाता है। इसका नाम पहले गुड्डू का मुस्लिम था, उसके बाद इसने अपना नाम भी बदला और साथ में गुड्डू लगाया और ये गुड्डू मुस्लिम बन गया। हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? नशीन बनो। नशीन जी, एक बात बताइए, गुड्डू मुस्लिम आखिरी बार आपसे कब मिला था? हमें नहीं पता है, कभी नहीं मिला, जब से गया कभी नहीं मिला। कब गया था? छोटपन से, जब नेगर बोसट पहनता था तब से, आज तक नहीं मुलाकात हुई। हम सच बता रहे हैं। क्या उम्र रही, का बिहेवियर कैसा था बचपन में, कैसा रहता था वो? लड़ता था बचपन से ऐसा था वो? हाँ, हमसे नहीं पढ़ती थी, हमसे ज्यादा लड़ता था। और बचपन में उसका नाम क्या था गुड्डू मुस्लिम का? मुस्लिम, सिर्फ मुस्लिम, सिर्फ मुस्लिम। पुलिस अब तक उन लोगों को खोज रही थी जो या तो उमेश पाल शूटआउट के दौरान धूमनगंज इलाके में थे या फिर इन शूटर्स ने हत्याकांड के बाद जिससे संपर्क किया। और जिस तरह साजिश में अतीक के बेटे अली की भूमिका पाई गई उससे तय कि अतीक एंड फैमिली से कोई भी अब से योगी से बच नहीं पाएगा और इसलिए योगी का प्रयागराज दौरा पूरे UP में हाईलाइटेड है। सिर उठा करके सड़कों पे चल सकती हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती हैं, लेकिन कोई माफिया और कोई अपराधी सिर उठा करके नहीं चल सकता है, सिर तान करके नहीं चल सकता है।
रंगदारी वसूली की बात तो बहुत दूर है। गले में तख्ती बांध करके चलते हैं, जान बकस दो, आज इस प्रकार की गुहार लगा रहे हैं। प्रयागराज से मनीष यादव और अभिषेक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।